हेलो हेलो, आज के क्लास में हम लोग वैसे वर्ड मीनिंग को देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें हमें किसी न किसी जगह से संबंधित होगा। इसलिए आप देख सकते हैं ऊपर में हेडिंग दिया गया है रिलेटेड टू प्लेस, यानी वैसे वर्ड मीनिंग हम देखेंगे जो किसी न किसी जगह से संबंध रखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ है भरत सर यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो दोस्त, सबसे पहला आपके पास वर्ड मीनिंग है अबैटर। अबैटर का हिंदी है कसाई खाना, क्लियर है। चलिए, अबैटर का हिंदी कसाई खाना है। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं वेयर एनिमल्स आर ए स्लॉथर्ड, यानी जहाँ पर जानवरों को हत्या किया जाता है, जहाँ जानवरों की हत्या होती है उसी को हम कहते हैं अबैटर। अबैटर जिसे हिंदी में कसाई खाना कहा जाता है। चलिए, सेकंड आपके पास है अभियरी। अभियरी को पक्षीशाला कहा जाता है हिंदी में, और इसे आप स्टेटमेंट के रूप में कह सकते हैं इन क्लोजर फॉर बर्ड्स, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे हम कहते हैं अभियरी यानी पक्षीशाला। आइए तीन में अपियरी। अपियरी आपका होता है हिंदी मधुमक्खी शाला। अ प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, वह है जगह है जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं, मधुमक्खियाँ को रखा जाता है, उस जगह को अपियरी कहा जाता है। आइए नंबर फोर में आर कीपी लेगो। आर कीपी लेगो का हिंदी है द्वीप समूह है, अ वाइड ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, द्वीपों के एक विशाल समूह को, द्वीपों के समूह को ही हमें द्वीप समूह कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। नंबर फाइव है आर्चीव है। आर्चीव का हिंदी आपका है लेखागार है। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड से आर केप्ट, वह है जगह है जहाँ पर जनता या सरकार के रिकॉर्ड को रखा जाता है, दस्तावेज को रखा जाता है, उसी जगह को कहा जाता है आर्चीव है। आर्चीव है। चलिए सिक्स में आते हैं अक्वेरियम मछली घर। अ वाटर टैंक इन विच फिश आर केप्ट इज कॉल्ड अक्वेरियम, यानी पानी का वह विशाल भंडार, वह टैंक है जिसमें मछलियां निवास करती हैं, उसी को कहा जाता है अक्वेरियम। अक्वेरियम या आप ऐसे समझिए मछली जिस पानी वाले जगह में रहती है उसे अक्वेरियम कहा जाता है। नंबर सेवन है अक्वेटिक जलचर। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी वैसे जानवर वैसे जीव जंतु जो केवल केवल जल में रहते हैं उसे अक्वेटिक कहा जाता है। अक्वेटिक कहा जाता है। नंबर एट आपके पास है अरेना। अरेना का हिंदी है अखाड़ा। अखाड़ा है अ प्लेस ऑफ रेसलिंग, जहाँ पे रेसलिंग करने का स्थान होता है, जो रेसलर लोग आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, वह जगह आपका अरेना कहलाता है। नंबर नाइन आपके पास है अरसनल। अरसनल का हिंदी है शस्त्रागार। वेयर एमुनिशन आर केप्ट, जहाँ पर बंदूक गोला बारूद रखा जाए उसी को कहा जाता है शस्त्रागार। शस्त्रागार। तो हम लोगों ने नाइन वर्ड रिलेटेड टू प्लेस देख लिया। टोटल इस लेक्चर में हम लोग 30 देखेंगे, है ना। 30 वर्ड ऐसे देखेंगे जो आपके किसी न किसी जगह से संबंधित होंगे। आइए नंबर 10 में। नंबर 10 आपको अच्छा पहले हो गया आर्चीव अभिलेखागार वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ये पहले हम लोग देख लिए। आते हैं 11 में अरमद। अरमद इसे पढ़ेंगे अरमद। अरमद वेयर गन्स आर केप्ट, जहाँ पे केवल केवल बंदूकें रखी जाती हैं उसी को कहा जाता है अरमद।
जहां पर केवल बंदूक रखी जाती है। नंबर 12 है एरोड्रोम, वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, जहां पर आपका एरोप्लेन रखी जाती है उसी को कहा जाता है एरोड्रोम, एरोड्रोम। नंबर 13 है अल्मा मैटर, अ प्लेस वेयर वन गेट्स एजुकेशन फ्रॉम, वह है जगह है जहां पर कोई व्यक्ति अपना पहला एजुकेशन प्राप्त करता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, उस जगह को अल्मा मैटर कहा जाता है, इसे पहली पढ़ाई संस्था भी कही जा सकती है। नंबर 14 आर्किपेलेगो अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, द्वीप समूह जिसका हिंदी होता है एसाइलम, एसाइलम जिसका हिंदी है सदन स्थल, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी, जहां पर किसी व्यक्ति को सदन दिया जाए, या पागल खाना को भी आप एसाइलम कह सकते हैं, है ना। चलिए तो एक से लेकर 15 तक हम लोगों ने टोटल वर्ड कवर कर लिया रिलेटेड टू प्लेस। अब आते हैं वर्ड 16 पे, 16 पे, 16 कहता है अटीक अटारी, अ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। अटारी उसे कहा जाता है जो किसी भवन के छत के तुरंत नीचे, छत के जस्ट नीचे में जो एक छोटा सा स्पेस बनाया जाता है या कमरा बनाया जाता है उसी को कहा जाता है अटारी यानी अटीक। ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, वह भवन जहां पर श्रोतागण बैठते हैं उसी को कहा जाता है ऑडिटोरियम। जैसे आप देखे होंगे किसी एक बड़े हॉल में जहां पे आपका फंक्शन होता हो, जहां पे छोटे छोटे बच्चों को नृत्य कला सिखाई जाती है, पेश किया जाता है, कोई कार्यक्रम होते हैं, तो उसके जस्ट सामने नीचे स्पेस में बहुत से लोग बैठे रहते हैं उसी को ऑडिटोरियम कहा जाता है। 18 आपके पास है बेबी, बेबी का मतलब टोली, अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस, किसी एक जगह पर लोगों के समूह को कहा जाता है टोली, किसी एक जगह पर लोगों के समूह को कहा जाता है टोली। आते हैं 19 में बैरी, बैरी माने गौशाला, अ होम ऑफ अ काऊ, यानी गाय के घर को कहा जाता है गौशाला। चलिए 20 आपके पास है बैरक्स, अ होम ऑफ ए सोल्जर, सेना के घर को कहते हैं बैरक्स, जहां पर सेना लोग रहते हैं, जिस मकान के अंदर में, जिस छत छाया में हमारे सेना रहते हैं उस जगह को बैरक्स कहा जाता है। 21 आपके पास है ब्रुवरी, ब्रुवरी का मतलब कहता है वेयर बियर इज मैन्युफैक्चर्ड, जहां पर शराब बनाया जाता है उसी को कहते हैं ब्रिवरी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मध्य निर्माण शाला, मध्य निर्माण शाला, जहां पर शराब बियर वगैरह बनाया जाता है उसी को कहा जाता है। अगला आपके पास है 22 में बेकरी, वेयर ब्रेड इज मेड, जहां पर ब्रेड बनाए जाते हैं उसी को हम बेकरी कहते हैं, बेकरी कहते हैं। 23 बाइंड्री, अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड, जहां वह जगह है जहां पर किताबों को बांधा जाता है, किताब को बाइंड किया जाता है उसी को हम कहते हैं बाइंड्री। 24 केज, पिंजरा, अ केस फॉर बर्ड्स, केज का हिंदी आपका होता है पिंजरा, आप पिंजरा आप समझ सकते हैं जिस आवरण में पक्षियों को रखा जाए उसी को कहते हैं केज। तो केस का हिंदी यहाँ पे समझिएगा आवरण, आवरण जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। 25 है कैसीनो, कैसीनो जुआ खाना, अ प्लेस विथ है गैम्बलिंग टेबल्स, कैसीनो का हिंदी आपका है जुआ खाना या जुआ घर भी कहा जाता है, वह है जगह है जहां पर टेबल पे जुआ खेला जाता है। आप देखे होंगे बहुत ऐसे जगह होते हैं या मूवी में भी आप देखे होंगे कि कुछ लोग टेबल के चारों ओर बैठकर आपस में जुआ खेलते हैं उसी को कहा जाता है कैसीनो, उस जगह को, उस घर को कहा जाता है कैसीनो।
तो चलिए हम लोगों ने 25 तक कवर कर लिया दोस्तों, अब आते हैं 26 से 30 तक। बहुत ही कम समय में आपके पास ये 1 से लेकर 30 तक रिलेटेड टू प्ले से समाप्त हो जाएंगे। ये भाग 1 है यानी पार्ट 1, ऐसे पार्ट 2 आएंगे, पार्ट 3 आएंगे जो केवल रिलेटेड टू प्लेस होंगे। तो चलिए हम लोग 26 देखते हैं। सीमेट्री कब्रिस्तान वेयर द डेड आर बरीड अ ग्रेव यार्ड, यानी जिस जगह पे मृत शरीर को रखा जाता है, एक दफनाया जाता है, उसी को कहते हैं कब्रिस्तान सीमेट्री। 27 क्लॉक रूम वेयर लगेज इज केप्ट एट रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन पर, रेलवे स्टेशन पर जहाँ पे लगेज रखा जाता है। लगेज का मतलब होता है वस्तु या सामान, जहाँ पर रखा जाता है उसी को कहते हैं क्लॉक रूम, क्लॉक रूम कहा जाता है। 28 कॉन्वेंट भिक्षुनी मठ अ प्लेस वेयर नन्स लिव, जहाँ पर आपके भिक्षुनु भिक्षा मांगने वाले लोग रहते हैं, भिक्षुनी मठ कहलाता है वह जगह है। तो कॉन्वेंट का हिंदी हो गया भिक्षुनी मठ। अब आते हैं 29 कॉन्फ्लुएंस अ प्लेस वेयर हु रिवर से और स्ट्रीम से ज्वाइन से टू बिकम वन। कॉन्फ्लुएंस का मतलब हो गया अ प्लेस, वह जगह है वेयर जहाँ पर हु रिवर्स और स्ट्रीम से, जहाँ पे नदियाँ और स्ट्रीम जो हैं एक हो जाती हैं, यानी जिस जगह पे ज्वाइन हो जाती हैं, जिस जगह पे नदियाँ और स्ट्रीम जो हैं आपके ज्वाइन हो जाती हैं। जैसे कि देखिए, मान लो कि आपका एक जगह से यहाँ से कोई नदी है और यहाँ से कोई नदी आ रही है, और ये दोनों आपके किसी जगह पे पॉइंट हो जाती हैं। जैसे में ये देखिए, ये आपका जो ये जो आपका जगह है इसी को कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पे यहाँ से एक नदी है और यहाँ से नदियाँ आके जिस जगह पे कंबाइन होती हैं उसी को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। क्लियर है? चलिए तो अब अगला आपके पास है कैसे केड। देखिए कैसे केड है, कैसे केड है कैसे केड का मतलब आपका है यहाँ पे असमोल वाटरफॉल। असमोल वाटरफॉल मानो छोटी झरना, छोटा झरना को कहा जाता है कैसे केड, छोटा झरना को कैसे केड कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक रिलेटेड टू प्लेस वाले वर्ड मीनिंग को कवर कर लिया। यह पार्ट 1 है और ये सारे के सारे वर्ड आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह एसएससी हो, एसएससी का सीरियल हो, सीपीओ हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, या जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स हो गया, नेवी है, एनडीए है, अग्निवीर के माध्यम से जो एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं। आप सभी लोग प्रेम से सुने और कॉपी में आप देख के लिख लें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।